और टीवी के भगवान बड़े बड़े, मैं आपको सबको टीवी का भगवान कहता हूँ, ये टीवी के भगवान। देन डॉक्टर, हकीम, ज्योतिष, तांत्रिक, सबसे लास्ट में हीलर्स का नाम आता है, क्योंकि हम जो रेकी मास्टर्स हैं ना, हमारे पास पेशेंट सबसे बाद में आता है, जब सब जगह से हार चुका होता है, तो कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती, फिर कोई कहता है कि यार कोई काम कर, किसी रेकी मास्टर के पास चला दो, शायद अपना सोल्यूशन। इसीलिए क्योंकि मैं अक्सर इस फील्ड में बहुत काफी सालों से काम कर रहा हूँ, हर तरह के पेशेंट, हर तरह के चीजों में काम कर रहा हूँ, तो जब लोग आते हैं तो पता चलता है कि भाई अब बिल्कुल हार हो गए हैं, यहाँ तक के पैसे खत्म हो गए हैं। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि हीलर्स तब याद आते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका हो, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी आने वाले 5 साल, याद रखिएगा मेरी वर्ड्स, आने वाले 5 साल के बाद इस देश के हर हॉस्पिटल के अंदर रेकी मास्टर की रिक्वायरमेंट ऑफिशियली अपॉइंट किए जाएंगे रेकी मास्टर। इसलिए जो लोग इस फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं, खूब मेहनत से काम करें, आने वाले समय हमारा, क्योंकि जो चीजें कहीं नहीं मिलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे वास्ते, क्योंकि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी भोपाल शहर का मुझे नहीं मालूम, पर दिल्ली जैसे बड़े शहर के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑलरेडी ऑल्टरनेट थेरेपीज के सेंटर खुल चुके हैं। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट को कि आप अपना दवा इलाज कराओ और अपने नियरेस्ट किसी रेकी मास्टर से मिलो और हीलिंग कराओ। ये दिल्ली जैसे शहर में ये चीज शुरू हो चुकी है, डॉक्टर्स भी हमें मिलने आते हैं। अगर मैं किसी अक्सर हॉस्पिटल में जाता रहता हूँ, अगर मैं किसी हॉस्पिटल में आईसीयू में किसी पेशेंट को हील करने जाता हूँ और जब मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ या वो लोग बताते हैं कि सब रेकी मास्टर है, डॉक्टर बड़ी खुशी से हाथ मिलाते हैं, क्योंकि वो भी इस चीज को मानने लगी है कि अब खाली उनकी दवाओं से काम, जहां वो फेल हो जाते हैं वहां फिर थेरेपी काम।